हेलो फ्रेंड्स, जय बालाजी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काश मेरा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए चावल से टेस्टी टेस्टी मुठिया। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए चावल से टेस्टी और हेल्दी मुठिया। इसके लिए हमने एक कटोरी चावल लिया है, दो कटोरी आटा लिया है, दो चम्मच दही ली है, तीन हरी मिर्च हमने कट कर लिया है, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, और थोड़ा सा हमने धनिया लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम यहाँ पे दो कटोरी गेहूं का आटा लेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे दो चम्मच, चावल ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, हींग ऐड करेंगे, पिंच सोडा ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, सिर्फ थोड़ी सी क्योंकि हमने हरी मिर्च ऑलरेडी ऐड कर दी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी अगर आपको नहीं पसंद हो तो मत ऐड कीजिए, लेकिन दही और चीनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास दही ना हो तो आप आधा नींबू भी ऐड कर सकते हो, नींबू का जूस। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे, दो चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे, अभी हमें सब अच्छे से मिक्स करना है। करीब हमें आधी कटोरी पानी ऐड करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ में ऐड नहीं करना है। वापस से हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्याज खाते हो तो आप प्याज जरूर से ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ट्राई जरूर से कीजिएगा। हमने प्याज ऐड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, हमने ये आधी कटोरी पानी इसमें ऐड किया है, आपको ज़रूरत के हिसाब से ही पानी इसमें ऐड करना है। इसमें आप लहसुन और प्याज भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, डो बनकर तैयार है। आप तुरंत ही बना सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम मुठिया बना लेंगे। सेम ऐसे आप बाजरे के आटे से भी बना सकते हो फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है, ट्राई जरूर से कीजिएगा। अभी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, ये भी झट से बन जाता है। अगर हाथ में आपको चिपचिप हो रहा हो तो आप थोड़ा सा ऑयल ले सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें सभी मुठिया को बना लेना है। तैयार है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, करीब हम 5 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसमें राई ऐड करेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम इसमें मुठिया ऐड करेंगे जो हमने बनाया है, में हींग ऐड करेंगे थोड़ी सी, और मुठिया ऐड करेंगे जो हमने बनाया है।
करीब आधी कटोरी पानी ऐड करेंगे। कैसे पानी ऐड करना है हमें, साइड से करना है, ये देखिए ऐसे साइड से पानी ऐड करना है, वो आपको ध्यान रखना है। सिर्फ इतना ही पानी ऐड करना है। अभी हमें क्या करना है, ऐसे मिक्स करना है। इसी स्टेज पे हमें लीड बंद कर देना है और हमें दो विसल बजाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दो विसल हो गई है। वाव, देखिए फ्रेंड्स क्या खुशबू आ रही है। मुठिया अच्छे से पक गया है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हम सर्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी हम सर्व करेंगे। आप इसे चाय के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ खा सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है। चाय के साथ जरूर से ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा फ्रेंड्स। धनिए से गार्निश करेंगे। हरी चटनी सर्व करेंगे। आप इसे लहसुन की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा हम धनिया सर्व करेंगे चटनी के ऊपर। अगर फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर से कीजिएगा, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। आप भी खाइए मुठिया और आपके परिवार को भी खिलाइए टेस्टी टेस्टी मुठिया, ट्राई जरूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसी और भी सिंपल और टेस्टी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आऊँगी फ्रेंड्स। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है, ट्राई जरूर से कीजिएगा फ्रेंड्स।